भी नैंच रबी चाल नवा भी रे मैं झंडू वाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मैं झंडू वाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी के गाल गुलाबी नैंच रबी चाल नवा भी रे मैं झंडू वाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए होश पासी भी कर बेबोसी अदा शिल्पासी भी कर बेबोसी अदा है इसके झटके में फिल्मी मजा है तू ना जाने इसके पीछे वो सैफू है जी ना जाने इसके पीछे सैफू से लेके लंबू पड़ा है आइटम ये आम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी के गाल गुलाबी नैंच रबी चाल नवा भी रे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बहुत ही मजा आया होगा आपको आई एम श्योर मुन्नी बदनाम पे और इसी नोट पे कुछ मुन्निया हैं हमारे पास लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है बदनाम नहीं बदनाम है वो बहुत ऊंचे नाम वाली हैं अच्छे नाम और मुन्नी मींस हॉट यू नो और मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं अदन के साथ जिन्होंने बहुत ही स्टनिंग अदन प्लीज आए और ऑफ कोर्स कलेक्शन का पहनावा बिल्कुल मेहंदी की प्रेड कलेक्शन पहनी है हां पीछे मेरा म्यूजिक बैकग्राउंड हो जाए तो हाँ जी ज्यादा अच्छा होगा हल्का है आपकी प्रेड कलेक्शन से और ख्वातीन को कुछ एजुकेट करते हैं और एनलाइटन करते हैं कि मेहंदी के हाँ इस सीजन के और स्पेशली वेडिंग सीजन के लोगों के लिए पैलेट क्या है कट क्या है कैसा काम हो और ये क्या है आउटफिट ये क्या है ओके दिस आउटफिट इज फ्रॉम द एज यू नो माय प्रेड कलेक्शन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज अवेलेबल नाउ ऑन द प्रेड स्टोर ऑन एमएम आलम रोड सो इन्होंने जो नया स्टोर लॉन्च किया ना गुलबर्ग में एमएम आलम रोड पे ये अवेलेबल है और कहीं आप और भी स्टॉक करते हैं Because Anusha, we are stocking from Lahore to California. We are stocking at different places already. Lekin this time I thought ki already, mashallah, itne multi-brand stores ab Pakistan mein aa gaye hain. So let's do something more powerful, something more exclusive, more powerful towards the industry. So thought to have my exclusive store. So it's finally here. Because Mehdi fans bahut der se mere peeche the ki kuch aisi affordable line laye jo easy. Easy to buy ho, approach mein easy ho, unke liye I just made this pet line. So anyone who's interested, it's their own place, they can come and buy. बिल्कुल घर की बात समझो. कारली गल समझो. अच्छा मेरी ब्लैक के साथ गोल्ड और फिरोजी कॉम्बिनेशन की है ना? जी बिल्कुल ये जो है मेरी पेट की इवनिंग वेयर में से है हाँ उसका बिकॉज अदरवाइज जो पेट लाइन है वो कॉटन से स्टार्ट हो रही है मेरी
और मैंने देखी है और बहुत हसीन है और आप सबको जरूरी जाके देखना है, ठीक है। अच्छा मैं भी, मैं भी आपको देखी और हम आपको दिखा भी रहे हैं। हाँ, अभी और भी दिखाएंगे। बहुत ज्यादा ये शिफॉन हम बना पहन सकते हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, कि हमने बोरी का फ्रॉक पहना नहीं, देखें जी, बिकॉज आई बिलीव मुझे तो ज्यादा वैसे ही शिफॉन इज माई ऑल टाइम फेवरेट फैब्रिक, क्योंकि ज्यादा बहुत फेमिनिन है फैब्रिक, ऊपर से फॉल अच्छी आती है, एंड द अदर थिंग इज कि आपका जो जैसे भी बॉडी टाइप हो उसको इट कवर्स एंड इट पॉप एग्जैक्टली बिल्कुल ये उन्हें जरूर देखना चाहिए, बल्कि मैं हर एक को यही सजेस्ट करता हूँ, देयर आर सम पीपल जो कुचर हाउस में भी मेरे आते हैं और दे वांट के कुछ बहुत वेरी फिटेड एंड वेरी फिल्मी टाइप सीन हो। देखिए कुछ चीजें हैं जो कुछ बेचारे खुद भी फिल्मी होंगे सारे के सारे कुछ चीजें टीवी के ऊपर अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें हीरोइंस के लिए बनी होती हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में एंड व्हेन यू वांट टू बी फैशनेबल ना तो यू हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सन। वो बेचारी असल लाइफ में वो खुद भी नहीं पहन सकती जो उन्होंने फिल्मों में पहना होता, बाय द वे इतने सारे कपड़े होते हैं। अच्छा मेहदी देखें ये माशाल्लाह मॉडल इतनी खूबसूरत स्लिम और पिटीट और टॉल है, मगर आपने फिर भी इसको जो कट दिया है जी वो ऐसे वाला है ना, फिटेड नहीं है। इट्स नॉट फिटेड, इट्स नॉट फिटेड। अच्छा ये क्या है, जिस तरह से कुर्ता है फ्लेरी के, क्या ये एक्चुअली दिस इज लाइक अ पैनल शर्ट, इट इज नॉट अ कुर्ता, इट्स एन ए लाइन शर्ट विद पैनल्स, बट आपने देखा होगा दैट यू नो द पैनल्स आर ऑफ द सेम कलर, इट्स डन ब्लैक ऑन ब्लैक एंड जस्ट उसके अंदर मैंने गोल्ड को हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज अगेन हम जिस चीज के लिए बैठे हैं कि वेडिंग अटायर्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सेमी फॉर्मल चीजों को हम डिस्कस करेंगे, सो दिस इज फ्रॉम दैट लाइन। और एम्बेलिशमेंट जो है प्रेट वेयर के अंदर मेरी वो ज्यादा फोकस है थ्रेड वर्क के ऊपर। अच्छा बिकॉज हाँ इस पे भी आप देखेंगे तो मोस्टली इट्स थ्रेड वर्क एंड देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ द ट्रेडिशनल एम्बेलिशमेंट, मेरी डेलिकेट काम इतना किया ताकेदा काम हो यार। हाँ बिकॉज यार मुझे अच्छा ही फिनेस लगता है, मुझे जब तक काम में फिनेस ना हो क्लास ना हो मुझे मजा नहीं आता, दैट्स द क्वालिटी ऑफ फिनेस। क्या होता है फिनिश की बहन है छोटी है वो एक ट्रे नहीं मिलता। हां फिनिश मुझे लगता है आप लोग बहुत ज्यादा लोकल टीवी देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग ज्यादा इंटरनेशनल चैनल देखते हैं।